लॉकडाउन की पाठशाला बाय डीसी रामगढ़ में पुनः स्वागत है। तो आज मैं कक्षा 8 विषय हिंदी पार्ट नंबर 14 और पाठ के शीर्षक का नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कहने का मतलब है कि हम विकास के नाम पर पृथ्वी में जितने भी संसाधन हैं, जैसे कल का खाना स्थापित कर रहे हैं जंगलों को काट करके, खेती लायक जमीन बना रहे हैं तो जंगलों को काट करके, तो इतना उसका दोहन कर रहे हैं कि पृथ्वी की सुंदरता खत्म हो जा रही है और जो पृथ्वी है, जो भूमि है, वो बंजर होती जा रही है। तो इसके कवित्री हैं निर्मला पुतुल। इस कविता में कवित्री कहती है कि विकास के नाम पर प्रकृति का दोहन का वर्णन किया गया है और प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कवित्री ने हमारी संवेदनाओं को झकझोरते हुए प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताती है और साथ ही इन प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़ पौधे, जल स्रोतों, नदी झरना, पहाड़, पर्वत, वायु एवं पृथ्वी आदि का नुकसान ना पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। इस कविता में मुख्य रूप से पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, वायु और पृथ्वी आदि के विषयों में चर्चा किया गया है और इसके हम कैसे संरक्षण कर सके, क्योंकि ये विश्व स्तर पर एक समस्या है कि जो पर्यावरण का संरक्षण है कैसे किया जाए, क्योंकि देख रहे हैं कि पूरा विश्व इस महामारी से लड़ रहा है, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं। तो चलिए प्रस्तुत करते हैं। इस कविता में पहला पंक्ति में पेड़ पौधे के बारे में वर्णन किया है कि आप जब पेड़ को काटते हैं तो एक अलग तरह की चीख आती है, आवाज आती है, क्या आपने उसे सुना है? वो हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करता है कि हमें मत काटो, अगर यदि आप इसी तरह हमें काटते रहेंगे तो आपका जीवन खतरे में चला जाएगा, आपका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए उसकी आवाज को सुन करके हमें झकझोरता है कि उन्हें भी सजीवों की तरह बर्ताव करें। दूसरा है कि नदी के बारे में बताया गया है कि हम अपने विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा हम कपड़े धोते हैं घाट पर, मवेशियां धोते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते उसी पानी के पीने के लिए कोई राह जो होता होगा कि हम पिएंगे। और एक हमारा जो देश है वो आस्था का देश है, क्योंकि वही पानी है जो स्त्रियां भगवान को, देवी देवताओं को अर्घ भी देती है और हम इन विभिन्न क्रियाकलापों से नदी को दूषित करते हैं, इसलिए हमें यह नहीं दूषित करना चाहिए। तीसरी जो बात है वो पहाड़ के बारे में है कि अभी पहाड़ को जिस तरह से डायनामाइट से उड़ा करके उसके एक पार्ट निकाल रहे हैं, अगर यदि आपके शरीर से इस तरह का पार्ट निकाला जाए तो कैसा एहसास होगा, इसके बारे में बताया है। पुनः इसके बाद बताया है कि हम वायु को विभिन्न कारणों से प्रदूषित कर रहे हैं, जैसे मोटर वाहन है, कल कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं और वह खून की तरह उल्टियां करते फिर रही है। कहने का मतलब है अगर यदि हम इतने तरीकों से उससे दूषित कर रहे हैं कि अगर यदि वो इंसान होता, मानव होता, तो खून की तरह उल्टियां करता। इसलिए कवित्री कहना चाहती है कि जो इन संसाधनों का प्रयोग करते हैं और जो पृथ्वी है जिन्होंने हमें जीवन दिया है, हम इतना तकलीफ देते हैं, क्या हमने कभी उसके बारे में सोचा है? अगर यदि आप इनके बारे में, इन प्राकृतिक संसाधनों के बारे में अगर ये नहीं सोचते हैं तो कवित्री कहते हैं कि हमें मानव होने का संदेह है, शक है। यहाँ मानवीकरण का मतलब हुआ जो पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, वायु, पृथ्वी, ये सभी कुछ
पेड़ पौधे को छोड़कर सारे निर्जीव के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनके साथ हमें